छतरपुर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बदमाशों ने खुलेआम गोली मारकर भाजपा नेता के भतीजे की हत्या कर दी और फरार हो गए। हत्या की ये वारदात सिविल लाइन थाना इलाके की है, जहां पर बाइक सवार होकर आए अज्ञात बदमाशों ने बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह टुरिया के भतीजे अर्जुन सिंह टुरिया पर एक के बाद एक कई राउंड फायर किए, जिससे अर्जुन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना उस समय हुई जब अर्जुन सिंह अपने निर्माणाधीन मकान को देखने गया था। वहीं इस घटना में एक युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कई गोलियां लगी हैं, जिसको इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सनसनीखेज वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का मुआयना किया। हम वहां पे पैसा बांटने गए थे, अर्जुन सिंह का मकान का ठेका लिए थे। क्या हुआ है वहां पर? वहां पर दो लोग वहां से आए, 4 बजे की घटना है। वो सीधी गोली मार दी। किसको मारा? वहाँ अर्जुन सिंह थे, अर्जुन सिंह को गोली मारी, उनके साथ एक लड़का था पांडे कोई, उनको गोली मारी। आपको कहाँ लगी? वो हमारे गाल में लगी, यहाँ छर्रा, एक छर्रा हमारे लगा है। दूर से उनने कहा गोली घालते आए, तो एक छर्रा लगाए, हम भाग गए थे। लगभग शाम 5:30 बजे की घटना है। इस एक अर्जुन सिंह नाम का व्यक्ति है, जिसको कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मार के हत्या की गई है, और इसमें एक घायल भी है जिसका उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।